गर्मियों के मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी जो है हम आपको एकदम मार्केट स्टाइल बनाकर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आशीन फूड क्लब चैनल पर। मैं हूँ यास्मीन निगर। आज मैं आपको जो है 3 गिलास कॉफ़ी बनाकर दिखाऊंगी, क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनाना। सबसे पहले जो है हम गिलास के ऊपर चॉकलेट सिरप लगाएंगे और सिरप लगाने के बाद जो है इन्हें हम फ्रीज के अंदर रख देंगे। गिलास को घुमाते रहेंगे और इस तरीके से रफली जो है हम इसके ऊपर सिरप लगा देंगे। तीनों गिलास पे जो है हमें इसी तरीके से सिरप लगाना है। अगर आपके पास सिरप है तो लगा लें, वरना सिरप को स्किप कर दें। तीनों गिलासों पर मैंने सिरप बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। गिलास को जो है मैं फ्रीज के अंदर रखूँगी जिससे कि इसमें सिरप बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। 2 चम्मच लिए हैं मैंने यहाँ पर कॉफ़ी। कॉफ़ी को जो है मैंने थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। 3 चम्मच भर के हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके अंदर गर्म पानी डाला है। कॉफ़ी जो है मैंने नेस्कैफे की ली है, लेकिन अगर आप और किसी ब्रांड की लेना चाहें तो कोई और ब्रांड की भी ले सकते हैं। अब जो है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। जब तक कि चीनी घुल नहीं जाएगी हम इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। कॉफ़ी बनाने के लिए जो है हमने यहाँ पे 600 ml दूध लिया है। 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है ये दूध। दूध को जो है हमने गर्म करने के बाद जो है ठंडा कर लिया था और इसे फ्रीज के अंदर रख दिया था। दूध भी काफ़ी ठंडा हो गया है। जो हमने कॉफ़ी और चीनी का सिरप बनाया है वो भी इसी के अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा जो है इसके अंदर हम बर्फ भी डालेंगे। मैंने जो है यहाँ पे 1 मिल्क पाउडर का पाउच डाला है, 5 रुपीज़ वाला। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर दें। इससे जो है कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी बन जाएगी। सभी सामान डालने के बाद जो है मिक्सर को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से बिल्कुल चलाते रहना है। कॉफ़ी में जो है काफ़ी अच्छे से झाग बन गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कोल्ड कॉफ़ी बनाने की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। जो कॉफ़ी के ऊपर झाग आ गए थे वो हमने गिलास के ऊपर ही डाल दिए हैं। सारे झाग तीनों गिलास के ऊपर डाल दें। कॉफ़ी जो है पीने में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना हमारे तरीके से। तीनों गिलास के ऊपर जो है हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे। मैंने जो है अपने चैनल पे फ्रूटी की वीडियो भी अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने जो है यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी बचा ली थी, इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी कॉफ़ी भी डालूँगी। इससे जो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। कॉफ़ी जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। जब आपके यहाँ मेहमान आए तो आप अपने मेहमानों को ये वाली कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बनाकर पिलाएं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।